महाराष्ट्र में अहमदनगर के चेकेवाड़ी की रहने वाली मीरा चेके को हफ्ते भर के लिए सिर्फ 200 लीटर पानी मिलता है। इससे ज्यादा पानी के लिए उन्हें 1.5 किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ता है। हालांकि वो पीने के लिए बोरवेल के पानी का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बोरवेल के पानी को पीने के बाद बच्चे बीमार हो जाते हैं, इसलिए उन्हें बच्चों के लिए मिनरल वाटर खरीदना पड़ता है। हम कल बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गए थे। डॉक्टर ने उसे 5 दिन की दवाई दी और कहा कि वो नल से या बोरवेल का पानी ना पिए। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को पानी के लिए सिर्फ मिनरल वाटर दें। आप बताइए, हम उसे कब तक मिनरल वाटर पिलाएंगे? हम पिछले 3 दिनों से मिनरल वाटर की बोतलें खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे पास साफ पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। मीरा के पास कुछ खेती के लिए जमीन है, लेकिन पानी की कमी के कारण वह वहाँ कुछ भी खेती नहीं कर पा रही, इसलिए मीरा और उनके पति को मजदूरी करनी पड़ती है। कभी कभी उन्हें पानी का टैंकर भी खरीदना पड़ता है। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और एक टैंकर के लिए उन्हें 1400 रुपए चुकाने पड़ते हैं। दूषित पानी के कारण ही वो बीमार पड़ा। हम जानते हैं कि बोरवेल का पानी पीने के लिए साफ नहीं है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे पास इसे पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमें किसी भी कुएं से शुद्ध पानी नहीं मिलेगा और जिस इलाके में साफ पानी है वो इस जगह से बहुत दूर है। कुछ ऐसे ही हालात का सामना कारेगांव बस्ती में रहने वाली सीमा पालवे कर रही हैं। सीमा कहती हैं कि वो अगर सुबह कुछ खाती हैं तो पानी दोपहर में मिलता है। हमारे लिए पानी सबसे जरूरी चीज है। हम खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी हमारी जरूरत है। मैं आपको बताती हूँ, हम सुबह ब्रेड खाते हैं और दोपहर में टैंकर आने के बाद पानी पीते हैं। ये बहुत ही कठिन स्थिति है। हमारे अपने कुएं हैं, बोरवेल हैं, लेकिन सब सूखे पड़े हैं। सीमा के ससुर किशन पालवे कहते हैं कि उनकी बस्ती ठीक ठाक बड़ी होने के बावजूद उन्हें हर हफ्ते सिर्फ एक पानी का टैंकर ही मिलता है। पानी की इस कमी की वजह से मवेशियों के लिए भी पीने का पानी नहीं हो पाता। अगर हमें एक वक्त का खाना न मिले तो इसे सहन किया जा सकता है, लेकिन पानी के बिना रहना तो सभी के लिए बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो हमारे मवेशियों को पूरा दिन बिना पानी के बिताना पड़ता है। पार्थडी शिवगांव तहसीलों में फिलहाल 80 टैंकर पानी की सप्लाई कर रहे हैं। हम दोनों ही तहसीलों के 70 से 80 गांवों में पानी के टैंकर पहुंचा रहे हैं। इसमें इन इलाकों में मौजूद 350 से 400 छोटी और बड़ी बस्तियां भी शामिल हैं। इसके साथ ही जिन बस्तियों में पानी की पाइपलाइन नहीं है, वहां पानी के टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं। पार्थडी शेवगांव तहसीलों में फिलहाल 80 टैंकर पानी की सप्लाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले की पार्थडी और शेवगांव दोनों तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। प्रशासन के मुताबिक भले ही यहां लोगों को पानी के टैंकर मुहैया हो रहे हैं, लेकिन इस पानी की क्वालिटी बेहद खराब है और ये यहां के लोगों के लिए काफ़ी नहीं है।